राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। हिसार से ये बड़ी खबर है, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का विरोध। कई गांव में दुष्यंत चौटाला का विरोध देखने को मिला है। गांव डाटा नाडा गामड़ा गांव में जनता ने किया है विरोध, और गांव में घुसने से पहले ही गाड़ी के आगे ग्रामीण बैठ गए। सरकार में रहते किसानों की अनदेखी करने का आरोप दुष्यंत चौटाला पर लगाया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी हिसार से हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके स्क्रीन पर, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का विरोध। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कई गांव में दुष्यंत चौटाला का विरोध किया गया। तस्वीरें देखिए, हिसार की ये तस्वीरें हैं, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का विरोध देखने को मिला है। कई गांव में दुष्यंत चौटाला का इसी तरह से विरोध लोगों ने किया है। दरअसल यहां पर मौजूद लोगों का ये कहना था कि आपने सरकार में रहते किसानों के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए कार्य नहीं किया। तीन अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर, गांव नाडा डाटा और गामड़ा की। देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहां पर नारेबाजी हुई, और इसके साथ ही साथ दुष्यंत चौटाला की गाड़ी के सामने ये ग्रामीण इकट्ठा हो गए, खड़े हो गए और यहां पर जमकर नारेबाजी की, जमकर विरोध किया। यहां पर मौजूद लोगों का यह कहना था कि आपने सरकार में रहते किसानों की बेहतरी के लिए कार्य नहीं किया। गांव में घुसने से पहले ही गाड़ी के आगे ये ग्रामीण बैठ जाते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं, काले झंडे भी दिखाते हैं, नारेबाजी भी करते हैं। तो नाडा डाटा और गामड़ा, ये तीन अलग अलग तस्वीरें जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विरोध को बयां करती है तस्वीरें, जिसमें जनता विरोध कर रही है, काले झंडे दिखा रही है, उनकी गाड़ी के सामने बैठ जाती है और विरोध इस बात का करती है कि सरकार में रहते आपने अन्नदाता की अनदेखी की। और इस खबर पर अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, तीन अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, अभी स्थिति क्या है? पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के ये जो विरोध को बयां करती तस्वीरें। जी बिल्कुल, शुक्रवार को हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का नामदून के विभिन्न गांव का दौरा था, जिसको देखते हुए लोकसभा चुनाव को देखते हुए दुष्यंत चौटाला लगातार गांव के अंदर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। जैसे कि वो लगभग पहले गांव नाड़ा गांव में पहुंचे तो किसानों ने जैसे पता लगा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए काफी संख्या के अंदर किसान पहुंच गए और दुष्यंत चौटाला की गाड़ी के सामने लेट गए, वहां पर लेट सड़क पर लेट गए और गाड़ी को गांव में अंदर घुसने नहीं दिया, जिसके बाद और भी काफी संख्या के अंदर किसान पहुंच गए, जिसका पूर्ण रूप से विरोध किया गया। इसके अलावा और भी दो लगभग तमाम तीन चार गांव और ऐसे थे जहां पर दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम होने थे, वहां पर भी किसानों ने दुष्यंत चौटाला पुरजोर विरोध किया। किसानों का साफ तौर पर कहना कि दुष्यंत चौटाला ने सरकार में होते हुए किसानों की मांगों को अनदेखा किया था, जिसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं, आने वाले समय में जिस प्रकार लोकसभा चुनाव का प्रचार तेज किया जाएगा उसको देखते हुए दुष्यंत चौटाला और जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता है उनका पूर्ण जोर से विरोध किया जाएगा। क्योंकि कुछ दिन पहले लगभग पिछले महीने जब दिल्ली जाने के लिए किसान जा रहे थे तो बीजेपी और जो जेपी सरकार थी उस टाइम हरियाणा में, तो उस टाइम किसानों को रोका गया था, उसी दौरान किसान उसका विरोध कर रहे हैं कि दिल्ली किसानों को दिल्ली जाने क्यों नहीं दिया गया, और जो किसानों की तमाम मांगे हैं उन मांगों का भी लेकर किसान लगातार पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का विरोध कर रहे हैं। जी अच्छा अमित, ये बताइए कि दुष्यंत चौटाला की ओर से क्या कोशिश की गई इन ग्रामीणों को समझाइश देने की, मनाने की कोशिश? जी बिल्कुल, दुष्यंत चौटाला ने समझाने का प्रयास भी किया और किसान दुष्यंत चौटाला का साफ तौर पर कहना कि हरियाणा के अंदर जितनी भी किसानों की मांगे थी हमने उनको पूरा करवाने का काम भी किया था, और सबसे ज्यादा जो एमएसपी के रेट है फसलों पर दिए जा रहे हैं वो हरियाणा के अंदर ही दिए जा रहे हैं, लेकिन किसानों की एक मांग थी कि किसानों पर जब भी कोई विरोध करते हैं तो उस पर लाठियां बरसाई जाती है, किसानों को दिल्ली जाने से रोका जाता है और किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर कील लगाई गई है, सड़कें तोड़ी गई थी, जिसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। कि उनका साफ तौर पर कहना कि हम केवल दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे थे, ना कि कोई आतंकवादी बनकर
जा रहे थे, जिसको सरकार ने किसानों को रोकने का प्रयास किया था, इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। अब पहले पहले सरकार की बारी थी किसानों को रोकने की, अब किसानों की बारी है कि जो सरकार को रोक आने वाले समय में चुनाव को रोका जाए, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार पहले भी काफी विरोध हुआ था, लेकिन अब बीजेपी और जेएसपी के नेताओं का लगातार विरोध हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर बात की जाए नारनौल हल्के के अंदर जेएसपी का ही यहाँ पर मौजूदा विधायक है, जो भी दुष्यंत चौटाला से नाराज है, राम कुमार गौतम की बात की तो उसको देखते हुए भी यहाँ पर उसका पूर्ण रूप से विरोध है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों के अलावा जो नारनौल हल्के के अंदर काम होने थे वे काम भी सरकार के होते हुए दुष्यंत चौटाला ने नारनौल हल्के के अंदर नहीं करवाए, जिसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।